अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अनस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इटालियन ड्रीम्स। तो गाइस, हमने स्टडी इन इटली के बहुत सारे टॉपिक्स को अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है, जिसमें से एक टॉपिक हमने कवर किया था बैंक स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बैंक स्टेटमेंट को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था, मगर कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट्स थे जिनको मैंने कहा था कि मैं इसकी वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये वीडियो उसी बैंक स्टेटमेंट की सेकेंड पार्ट वीडियो है, जिसमें मैं बाकी अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को और आपके बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन को इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, उसमें मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि उसमें मैंने ये बताया था कि भाई आपके स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट के अंदर 6100 यूरोस होने चाहिए। अब वो यूरोस तो नहीं होंगे, वो यूरोस की जो इक्वेलेंसी निकलेगी पीकेआर में, उतने पीकेआर उतने पैसे आपके फादर के या आपके जो भी आपका स्पॉन्सर है, भाई है, मदर है, उसके बैंक अकाउंट के अंदर उतने पैसे होने चाहिए। अब आपको प्रॉपर उसका सोर्स ऑफ इनकम भी शो करवाना है कि अगर आपका आपके फादर जो है, सपोज़ करना आपके फादर ही आपके स्पॉन्सर हैं, तो अगर आपके फादर के पास ये 2.5 मिलियन है तो उसका सोर्स क्या है। आपके फादर या तो सैलरीड पर्सन होंगे तो उसके लिए आपको सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ेंगी, या आपके फादर जो है वो बिजनेसमैन होंगे तो उसमें जो आपके फादर का बिजनेस होगा, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, तो उसके पेपर्स लगेंगे और FBR के जो है वो टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का NTN, FBR के टैक्स रिटर्न, ये सब चीज़ें उसके साथ लगती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था कि वो स्टूडेंट्स जो जिनके पास इतने फाइनेंशियल्स नहीं हैं, वो अमाउंट बोरो करेंगे अपने किसी अंकल से, अपने किसी कज़न से, या अपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के किसी मेंबर से, या किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो कोई अगर अमाउंट बोरो करेंगे तो कोशिश करें कि बिफ़ोर जनवरी वो अमाउंट बोरो कर लें, ताकि जब आप जनवरी टू जून स्टेटमेंट निकलवाएं तो वो आपकी जो एक चंक अमाउंट की एंट्री हो ना, वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी, बट आपका ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो अमाउंट ऐड हुआ हुआ होगा। तो आपके पास ऑलरेडी 1.5 मिलियन 2 मिलियन से आपका बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपको फर्दर आगे की ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने में आसानी होगी। तो वो स्टूडेंट्स जो 6 मंथ्स के लिए, 7 मंथ्स के लिए अमाउंट नहीं ले सकते अपने किसी अंकल से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अमाउंट बोरो इतने लंबे, इतने लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं ले सकते, तो फिर वो मार्च या अप्रैल में ही अमाउंट बोरो करते हैं और फिर उसको उसके बाद मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के अंदर वो अमाउंट जो है अपने स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। तो इस पॉइंट को मैं बड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ, क्लियर करता हूँ कि देखें, अगर आप मार्च या अप्रैल में या जून में या फरवरी में, जब भी आप ड्यूरिंग दी 6 मंथ्स पीरियड जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है, उसमें अगर आप कोई चंक अमाउंट बोरो करके डलवाते हैं तो वो डायरेक्टली डलवा लें, आप उसको मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं करें, क्योंकि उस मल्टीपल ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक चंक अमाउंट अगर फॉर सपोज आपने 1.5 मिलियन बोरो करें अपने अंकल से या आप किसी भी बंदे से, आपने 1.5 मिलियन अमाउंट लिया है, तो आप डायरेक्टली अपने स्पॉन्सर के, अपने फादर के बैंक अकाउंट में डलवा दें 1.5 मिलियन उसी बंदे से, जिस बंदे से आपने लिए, उसी के बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांसफ़र करवा दें, कैश डिपॉजिट नहीं करवाइएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि यार ये 1.5 मिलियन आपके फादर के बैंक अकाउंट में आया कहाँ से, तो इसके लिए आप अपने फादर की कोई भी प्रॉपर्टी, अपने फादर की कोई भी व्हीकल, कोई भी एसेट जो है उसकी सेल डीड शो करवा सकते हैं। अब फॉर सपोज़ आपके फादर के 2022 के रिटर्न के अंदर एक कार, एक व्हीकल जो है वो शो हो रही है, तो आप उस व्हीकल की सेल डीड बनवा सकते हैं उस बंदे के नाम पे, जिस बंदे के अकाउंट से वो 1.5 मिलियन आपके फादर के अकाउंट में आए हैं, तो आप उस बंदे के नाम की सेल डीड बनवाएं और उस बंदे से बोलें कि भाई सही है, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दो, और फिर उस सेल डीड की डेट भी वही होगी जो आपके पास आपके बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन की डेट आ रही होगी, जिससे वो आपका 1.5 मिलियन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। इसके बाद आपकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी, अगर आपके फादर का सैलरीड अकाउंट है तो उसके अंदर फिर हर मंथ जो है वो सैलरी आती रहेगी, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी होता हुआ, ग्रॉसरी का, बिल्स वगैरह का, यूटिलिटीज़ का, तो वो एक्सपेंस भी होता रहेगा, जिससे आपका स्टेटमेंट रनिंग भी रहेगा, जिससे आपका बैंक अकाउंट रनिंग में भी रहेगा, और आपके पास जो एक चंक अमाउंट आएगी आप उसकी जस्टिफिकेशन भी दे देंगे। तो ये था बैंक स्टेटमेंट का
पूरा प्रोसेस। अब इसको फर्दर जस्टिफाई किया जाता है टैक्स रिटर्न्स के अंदर। टैक्स रिटर्न्स क्या होते हैं ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बस मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि भाई टैक्स रिटर्न्स के अंदर जो है वो आपकी इनकम आ रही होती है, आपके एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, आपके सारे एसेट्स आ रहे होते हैं, सारे ओवरहेड्स आ रहे होते हैं। तो अब टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी आप इस एंट्री को जस्टिफाई करेंगे। सिर्फ आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस एंट्री को जस्टिफाई करने के लिए आपको अपनी वीज़ा फाइलिंग में वो सेल डीड और इन सब के कागज़ नहीं लगाने, आपको उसको बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको उसको टैक्स रिटर्न के अंदर भी जस्टिफाई करना है। अब टैक्स रिटर्न में जस्टिफाई कैसे करेंगे? अब आप 2 ईयर्स का टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, आपने समझा 2022 का और 2023 का जो है वो टैक्स फाइल करवाया है, खुद किया है या फिर किसी टैक्स कंसल्टेंट ने फाइल किया है। 2022 के अंदर वो व्हीकल, वो कार या वो प्लॉट या वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए आपके टैक्स रिटर्न के अंदर, जिसको आपने 2023 के अंदर सेल आउट करके उसकी सेल डेट दिखाई है। उससे ही तो पता लगेगा कि ये भैया आपके फादर के नाम पे थी और आपके फादर ने इसको अब सेल आउट कर दिया है फॉर फाइनेंशियल पर्पज़, फॉर एजुकेशनल पर्पज़, क्या भाई आपने उसको बिल्कुल लिक्विडिटी लिक्विडेट एसेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, कैश के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि जो भी उसका बेटा या बेटी है वो स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहा है तो उसको वहाँ पर फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। मगर अगर आपने उसके 2022 के रिटर्न में व्हीकल शो ही नहीं करवाई और आप उसकी सेल डीड दिखा रहे हैं, तो फिर वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं कि भाई इनके पास तो लास्ट ईयर टैक्स रिटर्न में ये व्हीकल थी ही नहीं, तो इन्होंने सेल डीड कैसे शो करवा दी। फॉर सपोज अगर आप कोई करोला की सेल डीड शो करवा रहे हैं तो वो बोलेंगे ये तो करोला रजिस्टर्ड ही नहीं थी इनके पास, तो ये करोला कैसे सेल आउट कर सकते हैं। तो आपको 2022 में जो भी, तो आप 2 ईयर्स के रिटर्न निकलवा रहे हैं तो जो प्रीवियस ईयर का रिटर्न होगा आपको उसमें वो व्हीकल शो करवानी है। करोला की एग्जाम्पल ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपने करोला 2022 के रिटर्न में शो करवानी है और फिर 2023 के रिटर्न में करोला शो नहीं होगी, और उस 2 मिलियन या 1.5 मिलियन जितनी की भी आप अमाउंट बोरो करेंगे उतने अमाउंट से आपका बैंक बढ़ जाएगा और आपका एसेट कम हो जाएगा। बेसिकली एसेट बैंक भी जो है वो एसेट का ही पार्ट है, बट ये है कि एक आपके बैंक की अमाउंट बढ़ेगी और आपके जो है वो व्हीकल और प्रॉपर्टी वाला पार्ट जो है वो कम हो जाएगा, जिससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि ठीक है भाई इनके पास करोला थी जो इन्होंने सेल आउट कर दी। उस सेल आउट करने के बाद जो सेल डीड थी, जो उसके सेल करने के जो कागज़ थे, सारे डॉक्यूमेंट थे, वो भी इन्होंने फाइल में लगा दिए, और यही अमाउंट जिस अमाउंट से इनका बैंक स्टेटमेंट बढ़ा, जिस अमाउंट से इनकी करोला जो है वो सेल आउट हुई, वही अमाउंट इनके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अब ये तीनों चीज़ें आपस में सिंक्रोनाइज हो गई, आपस में ये तीनों चीज़ें जस्टिफाई हो गई, तो आपको एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपनी हर एंट्री की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी होती है। वो सिर्फ एक सिंगल एस्पेक्ट से नहीं करनी होती, वो आपको टैक्स रिटर्न से भी जस्टिफाई करनी होती है, वो आपको बैंक स्टेटमेंट से भी जस्टिफाई करनी होती है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन से भी जस्टिफाई करनी होती है, और आपको पे स्लिप से भी वो अमाउंट या वो ट्रांजेक्शन जस्टिफाई करनी होती है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न के अंदर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सैलरीड अमाउंट का जो है वो सैलरी टैक्स फाइल करवाते हैं और सैलरीड पर्सन का टैक्स फाइल करवाते हैं, और उसके बाद वो क्या करवाते हैं कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा शो करवा देते हैं, उनकी जो सैलरीड इनकम है वो ज़्यादा शो करवा देते हैं। अब हर सैलरी से जो ना छोटा छोटा सा पार्ट आपके टैक्स का डिडक्ट हो रहा होता है, जो ऑटोमेटिकली FBR में सबमिट हो रहा होता है, ठीक है। अब फॉर सपोज आपकी जो है वो ईयरली इनकम बनती है 7 लाख रुपये, तो आप 7 लाख रुपये के ऊपर मिस एग्जाम्पल ले लें कि पर मंथ जो है वो 800 रुपये टैक्स देते हैं, तो वो 800 रुपये टैक्स डिडक्ट होके ऑटोमेटिकली सबमिट हो रहा होता है FBR के ऊपर, 800 रुपये 7 लाख रुपये की ईयरली इनकम, एनुअल इनकम के ऊपर। अब वो कहते हैं कि नहीं यार 7 लाख के ऊपर 25 लाख रुपये 30 लाख रुपये जस्टिफाई करना मुश्किल है, तो यार आप इसको 7 लाख से जो है वो 11 लाख रुपये कर दो। अब जब 11 लाख रुपये करता है टैक्स कंसल्टेंट, तो उससे जाहिर सी बात है टैक्स पेबल बढ़ता रहता है। अब जब टैक्स पेबल पर आपने उसको 7 लाख से 11 लाख करा, जो आपने 800 रुपये पर मंथ सबमिट किया हुआ था, अब वो चला गया 1300 रुपये पर मंथ पे, तो आपको पर मंथ 500 रुपये की लायबिलिटी आ गई जो आपको पे करनी है, अदरवाइज आपका टैक्स रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा, और जब वो सबमिट ही नहीं होगा तो फिर वो आप वीज़ा फाइलिंग में नहीं लगा सकते। तो आप बोलोगे नहीं मुझे इसका कोई कंसर्न नहीं है, मैं पे कर दूंगा जितना भी टैक्स आ रहा है, आप बस इसको 11 लाख रुपये जो है वो एनुअल इनकम कर दो। तो टैक्स उसको टैक्स कंसल्टेंट को तो कुछ भी नहीं जाता, वो उसको 11 लाख रुपए कर देता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर पर मंथ 500 के हिसाब से 6000 रुपये, 500 के हिसाब से 6000 रुपये जो है वो आप पे
टैक्स पेबल आता है, आपको टैक्स पेबल उसका वो चालान निकलता है, PSID निकलती है और आप उसको पे कर देते हैं 6,000 रुपये, आपका जो है वो टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक सैलरीड पर्सन का टैक्स रिटर्न होता है ना वो बिल्कुल सीधा होता है, उसमें सबसे पहले आपकी इनकम आ रही होती है, फिर आपके एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, फिर आपके एसेट्स आ रहे होते हैं और फिर नीचे रिकंसिलेशन आइटम्स आ रहे होते हैं। बट अगर आप ऐसा करते हैं ना कि आप एक चंक अमाउंट एक एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे होते हैं सैलरीड पर्सन के ऊपर, तो उसका एक अलग से नीचे जो है ना हेड आ जाता है टैक्स पेबल का, तो वो आप टैक्स पे कर देते हैं तो वो एक अलग से ट्रांजेक्शन शो हो रही होती है आपके टैक्स रिटर्न के अंदर कि भाई इसने ये एडिशनल अमाउंट अलग से पे करा है थ्रू दिस PSID। तो वो चीज़ ये बता रही होती है कि यार इसकी जितनी इनकम थी ना उसने इस इनकम से एक्स्ट्रा इनकम शो करी है अपने टैक्स रिटर्न के अंदर, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पेबल आ गया, तो उसने फिर एक्स्ट्रा टैक्स को PSID के थ्रू पे कर दिया और ये उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल है जो उस टैक्स रिटर्न के सबसे लास्ट वाले कॉलम में, सबसे लास्ट वाले हेड में रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ये वैसे इतना मेजरली क्वेश्चन मार्क वाला पॉइंट नहीं होता, मगर फिर भी उन केसेस के अंदर, जिन केसेस के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं हो रही होती है आपके टैक्स रिटर्न से, तो उसके अंदर ये पॉइंट भी जो है वो एक बड़ा पॉइंट बनता है कि भाई आपने टैक्स भी झटके का पे करा हुआ है, आपने टैक्स भी डायरेक्टली पे करा हुआ है, आपके पास कोई मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इतनी जितनी आपने शो करवाई हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो रिजेक्शन आती है वो मेनली एक क्लॉज के ऊपर आती है, दैट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ फंड। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंड नहीं है, आपने जो है वो एक झटके के पैसे दिखाए हैं, आपके पास कंटिन्यूटी ऑफ फंड नहीं है, तो इस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना होता है। तो गाइस ये थी सारी वीडियो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था, आप वो जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें एक एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल में अपने व्यूवर्स को, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बताई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये सारे पॉइंट्स भी बैंक स्टेटमेंट के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के, बैंक स्टेटमेंट के, टैक्स रिटर्न्स के, आपको समझ में आ गए होंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, उन स्टूडेंट्स तक शेयर करें जो इस 2024 इंटेक में स्टडी इन इटली के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके। और इसके अलावा आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन अवर कमेंट सेक्शन और ईमेल अस ऑन academia.consultancy01@gmail.com। मैं ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।